हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा बताने वाले हैं। जैसा कि अगर आप परेशान हैं, आपके बच्चों के सर में या आपके खुद के सर में बहुत सारे जुएं हो चुके हैं, जुएं हैं, फिर वो उनके अंडे बनते हैं, लीखे होती है, लीखे फिर जुएं बन जाती हैं, तो फ्रेंड्स आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं, अपने बच्चों के सर से जुओं को बिल्कुल भगा सकते हैं। एक भी जुआ आपके सर में नहीं टिकेगा इस घरेलू नुस्खे के इस्तेमाल से। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद में आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो जानकारी लेकर आते हैं जो तरह तरह के आपके काम आने वाले होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इन चीजों से कोई नुकसान नहीं होता है आपकी हेल्थ को, बल्कि आपकी ये जुओं को जड़ से खत्म करेगा। तो फ्रेंड्स, जब भी कभी आपके सर में जुए हों तो आप इस रेमेडी को अपना कर अपने सर के जुओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको लेना है ये नीम के पत्ते, जो इजिली आपके गाँव में, कस्बे में, शहर में नीम का पेड़ कहीं भी मिल जाए तो आप नीम के पत्तों को ले आइए। इस तरीके से आपको ताजे नीम के पत्ते लेने हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको करना क्या है, इसके बाद आपको लेना होगा, इसके पत्तों को इस तरीके से हम तोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको किसी बर्तन में पानी लेना है, आप इतना पानी ले लीजिए और इसके बाद में आपको मुट्ठी भर के इसमें ये डालने हैं नीम के पत्ते। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा है ये। इसके बाद में इसको अच्छी तरह से इसमें डिप करना है। डिप करने के बाद में हमें इस पानी को करना यह है कि इसको पकाना है, हमें इस पानी को नीम का पानी बना लेना है। इसको आपको लगभग आधे घंटे तक स्लो फ्लेम पर पकाना है ताकि हमारे नीम के जो पत्तों के गुड़ है ना फ्रेंड्स, ये हमारे इस पानी में आ जाएं और पानी हमारा नीम का पानी बन जाए। तो फ्रेंड्स, इसको पकाने के बाद में आप इस पानी को ठंडा करके छान के किसी भी बोतल में रख लें और इसको आप एक हफ्ते के लिए भी रख सकती हैं। इस पानी को आपको अपने बालों की स्कैल्प पर जो है मसाज करनी है और बालों को जड़ से लेकर फुंची तक आप इसको लगा दीजिए, जितनी आपकी बालों की लेंथ है उसमें अच्छी। तो लगाने के बाद में आपको आधे घंटे तक अपने बालों पर लगाए रखना है इस पानी को, नीम के पानी को, और लगाने के बाद आधे घंटे बाद आप अपने बालों को धो लीजिए सादे पानी से। लगभग ऐसा 2-3 दिन लगातार करने से आपके बालों में जो है सर में एक भी जुआ नहीं टिकेगा, सारे के सारे मर जाएंगे, सारे के सारे भाग जाएंगे आपके सर से, बिल्कुल छूमंतर हो जाएंगे। ये तो रही हमारी फर्स्ट रेमेडी। इसके बाद में हम दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं। दूसरे में आपको करना यह है कि आपको प्याज लेना है, प्याज को छीलने के बाद में इसके छोटे छोटे पीस करके इसको पीस लेना है, पेस्ट बनाकर इसका हमें जूस निकाल लेना है। किसी भी कपड़े में, छन्नी में डाल करके इसका आप पेस्ट बना लीजिए और इसका प्याज का पानी, प्याज का रस जो है आपको इसी तरीके से लगाना है अपने बालों की स्कल्प पर, और इससे भी आपके सर के जुए एक भी नहीं टिकेगा, सर में जुआ सारे के सारे भाग जाएंगे, आप अपने बच्चों के या फिर अपने सर के जुए को खत्म कर सकते हैं।